हाय गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम मिल रहे हैं वोकेबलरी को एनहेंस करने के लिए गाइज ये जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग करते हैं वोकेब्लरी को इम्प्रूव क्योंकि आज का जो सेशन है लाइक like एवरीडे कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज्यादा आते होंगे और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो न्यू होंगे तो जो आपके लिए आज न्यू वर्ड्स होंगे उनको आप अपने डिक्शनरी में ऐड करें अपने वोकेबलरी में शामिल करें जिससे कि आपका वोकेबलरी एनहेंस हो लंबे समय तक आप इसको अपने साथ रख पाए और क्योंकि रटने से वो आपके साथ नहीं आती है कैसे आती है प्रैक्टिस से तो आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं ताकि आप और प्रैक्टिस कर सके आप और लंबे समय तक इसको रख सके एनहैंस कर सके अपने आप को इंप्रूव

आपको ग्रामर का एक टॉपिक का एक ही वीडियो मिलेगा जो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा वही मतलब बार बार अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं ऐसा मैं कर रही हूँ सेट हो जाएगा तो वही वीडियो हटा दिए गए हैं जो ओल्ड हो कहते हैं जिनकी अब यूटिलिटी उतनी नहीं है वो हटा दिए गए हैं बाकी कुछ नहीं प्रीवियस ईयर सेशन सारे इंग्लिश के मैथ्स के वो सब कुछ एज इट इज है तो कुछ भी वैसा नहीं हटाया गया डोंट वरी अबाउट दैट आई शुरू करते हैं हमारा सेशन शुरू करने से पहले ये अनाउंसमेंट लाइक एवरीडे i'm going to announce you about an uh, mock test hey टेस्ट दैट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज ऑन नवंबर फाइव पांच नवंबर को ये टेस्ट होने वाला है एक मॉक टेस्ट होने वाला है इट इज कम्पलीटली फ्री एंड टू बी ऑर्गेनाइज बाय अन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हो रहा है पांच नवंबर को ये एक मॉक टेस्ट है इट इज फॉर स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर में आने वाले सारे सब्जेक्ट वेदर इट इज इंग्लिश और जी के और साइंस और रीजनिंग सारे सब्जेक्ट को लेके ये हो रहा है और सिर्फ ये मॉक जस्ट नहीं हो रहा है इसका एनालिसिस भी होगा ये मॉक टेस्ट फ्री है फिर से मैं बता रही हूं और ये होने वाला है 5 नवंबर को और टाइम इसका थ्री 3:00 है 3 पीएम पे आपका मॉक टेस्ट होगा 3 टू 4 आप मॉक टेस्ट देंगे और उसके बाद 4 बजे जस्ट उसके आफ्टर जस्ट आफ्टर दैट चार बजे आपको मिलेगा इसका एनालिसिस चार बजे से शुरू हो जाएगा पहले इंग्लिश का एनालिसिस होगा फोर ओ क्लॉक देन सेवन ओ क्लॉक होगा आपका इसका जीए का एनालिसिस जीए का मतलब होता है जनरल नॉलेज एंड साइंस दैट इज जनरल अवेयरनेस कंप्लीट जनरल अवेयरनेस यहाँ पे होगा उसके बाद रीजनिंग का आपका एनालिसिस होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन बाय गोइंग टू बी हेल्ड बाय नाइन ओ क्लॉक ठीक है तो नाइन ओ क्लॉक आपका ये होगा इसके लिए सेवन को आपका जनरल नॉलेज और साइंस का गौरव कुमार सिंह के द्वारा उसके पहले फोर ओ क्लॉक इंग्लिश का होगा पूरा और उसके पहले मॉक टेस्ट होगा थ्री ओ क्लॉक तो फाइव है अभी टाइम है आप जाके इस टेस्ट को दीजिए और जरूर देना चाहिए सभी को जो आपको भी ब्लू करना है ब्लू हो जाएंगे बहुत सारे लोग राइट तो आज चेंज होगा शाम को बोल दिया है मैंने सर को सर भूल गए थे डोंट वरी डोंट डू दैट ठीक है चलो यहां पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग टेस्ट ले लीजिएगा आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन आज के हमारे सेशन में पहला वर्ड अबेट है अबेट अभी, अभी अभी आप लोगों ने देख लिया था बहुत सारे लोग बता देंगे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी हाउ आर यू ऑल कैसे हैं आप लोग और अपना ख्याल रख रहे हैं रखना बहुत जरूरी क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है जनरली लोग बाहर निकलने लग गए और हम लोग ये भी सोचने लग गए अब कोरोना के मतलब कम आ रहे हैं पेशर तो नॉट टू वरी अबाउट पर वरी अभी करने की ज्यादा जरूरत है वंस द इलेक्शन आर डन वंस थिंग्स फेस्टिवल इज ओवर अपने आप नंबर इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे उनमें हम ना हो इसके लिए हमें अपना ख्याल रखना चाहिए ज्यादा रखना चाहिए जल्दी से अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे अबेट हमारा पहला वर्ड है अबेट का मतलब क्या होता है क्या उस, दिखाई नहीं देगा अबेट का मतलब क्या डिक्रीज होता है अबेट का मतलब होता है डिक्रीज यानी कि कम करना यानी डिक्रीज करते हैं तो हम लेसन कर देते हैं यानी कि कम कर देते हैं डिमिनिश कर देते हैं और ड्विंडल कर देते हैं यहां पर एक ड्विंडल से रिलेटेड वर्ड भी है ड्विंडल करना डिमिनिश करना और लेसन कर देना रिड्यूस कर देना वेन कर देना ये सारे इसके सेनानिम है वेन इज ऑल्सो वन ऑफ दम्स तो यहां पे हमें क्या बताना है एंटानम बताना है एक है प्रवोक प्रवोक कर देते हैं अगर आप किसी को तो अराउज कर देते हैं इंसाइट कर देते हैं एक्साइट कर देते हैं ठीक है तो ये सा ये तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा मतलब इन सॉरी ऑपोजिट भी नहीं होगा क्योंकि एक्साइट करना है इसका इससे कोई रिलेशन नहीं देखो डिक्रीज कर रहे हैं तो कैसे वाला याद है वो वाला जो मैं हर बार कराती हूँ एक लाइन ऐसे थी देन 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 ऐसे देन ऐसे देन ऐसे ऐसे देन गायब तो ये क्या है वेन होना धीरे 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 करके गायब हो जाना ड्विडल यानी धुंधला पड़ जाना धीरे धीरे करके गायब हो जाना डिमिनिश होता है डिक्रीज होता है लेसन होता है रिड्यूज होता है यही होता है हमारा अबेट भी फ्री है कोई चीज इससे रिलेटेड नहीं है ऑगमेंट क्या होता है वॉट इज ऑगमेंट ऑगमेंट इज इनक्रीज ऑगमेंट क्या होता है इनक्रीज होना एनहेंस होना इम्प्रूव होना बढ़ना समझ रहे तो राइट right आंसर क्या होगा राइट आंसर सिनानिम तो वेन है है ना पर पूछा क्या है एंटनिम पूछा है तो बी इज द राइट आंसर ओके चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर टू पे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू ये रहा डर्थ है डर्थ इज कमी डिप्राइव ठीक है डे तो आप कैसे हैं कमी में है शॉर्ट ऑफ समथिंग है रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग लैक ऑफ सम थोड़ा लैक है डर्थ है यहाँ पे लैक ऑलरेडी दिया हुआ है पॉवर्टी यानी वही गरीबी फॉरन यानी समथिंग विच इज स्ट्रेंज विच इज अनोन कुछ ऐसा जो स्ट्रेंज है कुछ ऐसा जो अनोन है कुछ ऐसा जो ऑड है उसको बोल सकते हैं फॉरेन जो अपने लैंड का नहीं है जो हमारे जैसा नहीं है उसको फॉरेन को फॉरेन बोलते हैं तो राइट आंसर क्या होगा यस, लॉट्स ऑफ होगा अबंडेंस होगा मच बहुत ज़्यादा इन क्वांटिटी, प्लान्टी ऑफ उसको बोलते हैं अबंडेंस, बहुत ज़्यादा तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इज पग्नेशियस ट्रेंक्यूलाइज एरोगेंट कंटेंशियस बेलिजरेंट जल्दी से बताइए बहुत आसान है ये क्वेश्चन और मैं चाहूंगी आप सब जितने लोग हैं वो लोग जल्दी से इसका आंसर दे दें कि राइट आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री पग्नेशियस दीपक आप पुराना बता रहे हैं दीपू पुराना बता रहे हैं अच्छा आपके पास चलो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो ला, लाइक करिएगा जो लोग लेट आते हैं उनका वेलकम करा करें आप लोग प्लीज आइए पग्नेशियस है बेलीजोरेंट सबसे पहले बेलीजोरेंट अगर हमारे सामने वर्ड है एक वर्ड होता है हॉस्टाइल हॉस्टाइल कौन होता है हॉस्टाइल होता है जो क्वारलसम होता है क्वारलसम कौन होता है जिसको लड़ने का खासा शौक होता है क्वारलसम राइट फाइटर लड़ने का काफी शौक है फाइटर है ये फाइटर है हर समय इसको लड़वा लो बस क्वारल सम है लड़ने में बड़ा एक्सपर्ट है तो बेली यानी क्या होता है बेली यानी पावर दिखाने वाला लड़ाई झगड़ा करने वाला तो बेली भी एक वर्ड होता है यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ नहीं है बेलीकोज है बेली है लड़ाकू बोलते हैं इसको ठीक है लड़ाकू जो लड़ने में एक्सपर्ट हो कंटेंशियस क्या होते हैं जो अग्रेसिव है लड़ने वाले है, बहुत ज्यादा एकदम तैयार रहते हैं एरोगेंट तो होता है हॉटी प्राउड आता है ये सबको लड़ाकू विमान बिल्कुल सही बहुत सारे लोगों को है ना हिंदी में ये टर्म यूज होता है फ्रेज यूज होता है जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ग्रुप में ऐसे होते हैं जो बड़े एक्सपर्ट से होते हैं लड़, लड़ने में है ना डिस्प्यूट करने में तो उसको डिस्प्यूटेटिस भी कहा जाता है डिस्प्यूट करने में बहुत एक्सपर्ट जो होता है उसको हमारे मतलब फ्रेंड्स सर्कल में हम लोग जनरली ये वर्ड्स का यूज करते हैं तो डिस्प्यूटेट यानी कि लड़ने में एकदम एक्सपर्ट यानी कि हॉस्टाइल क्वालिज्म फाइटर बेलिकोस बेलीजन कंटेंट आल्सो द सेम ठीक है बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है ठीक है और उसके अलावा एक और वर्ड होता है एंटागोनिस्ट याद हो तो एंटागोनिस्ट इसी के लिए आता है और एक और वर्ड कॉम्बैटिव अग्रेसिव अग्रेसिव इसी के लिए आता है तो अग्रेसिव है कॉम्बैटिव है ये सब सिनोनिम्स है, है ना? अब पे हमें एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम बताएंगे आप लोग जल्दी से क्विकली बताइए कॉम्बैटिव भी इसी का होगा, राइट right? तो अब बताओ आंसर क्या होगा ब्लू हाँ 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 आई नो आई नो आई नो चलो तो राइट आंसर क्या होगा ट्रैंकुल होगा इस बाकी सब सुनाने में ध्यान दीजिएगा यहां पे जो हमारा एरोगेंट है जो कंटेंटियस है जो बेलीजेंट है ये सारे क्या है ये सब इसके सनाने में है लगभग हाँ एरोग थोड़ा सा अलग होता है एरोगेंट कौन होता है जो थोड़ा प्राउड हो जो सुपीरियरिटी uh, कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ हॉटी हो कंसीटेड हो, हो खुद ही में मरा हुआ है मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ही प्रेफर करेगा दूसरे तो उसको ऐसे नजर आते हैं कि उनमें कुछ भी क्वालिटी नहीं है ठीक है वैन होते हैं जो लोग प्राउड होते हैं वो होता है ऑरोगेंट तो थोड़ा सा अलग है हालांकि पर अगर ऑरोगेंट छोड़ दे तो ये दोनों इसके सनाने में बाकी जितने मैंने लिखे हैं ये सब पगनाश के सुनाने में तो पगनेशियस कौन होता है जो लड़ाई करने में एक्सपर्ट हो लड़ाकू विमान हो तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा ट्रेंकुलइज ट्रेंक्यूलाइज कौन होता है बहुत काम बहुत कंपोज बहुत सूद बहुत यू नो पीसफुल सा पर्सन जो होता है उसको कहते हैं शांत एकदम शांत एकदम शरीन एकदम पीसफुल एकदम काम ठीक है तो ये पर्सन है काम है कंपोज है पीसफुल है शांत है ट्रैंकुलइज है शरीन है एकदम एकदम जेंटल है एकदम हेल्पफुल uh, है राइट तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है जिस जिसको ब्लू होना है ब्लू होना है वो शाम को जरूर आए आज शाम को सर करेंगे आ, मैंने मैं आई 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 रियली सॉरी सॉरी एम एम क्योंकि कल शायद प्रॉपर उतने सेशन नहीं हुए आज सुबह वरना हो जाता ठीक है हो जाएगा आज शाम को ओके एरो प्राउड हॉटी बिल्कुल सही चले आगे नेक्स्ट पे थ्री हो गया फोर पे चलेंगे फोर नंबर इज अब्रिज जल्दी से आंसर बताएंगे अब्रिज करना क्या होता है स्ट्रेस होता है या इजी होता है या एक्सटेंड होता है या शॉर्टन होता है ईजी है आसान है है ना अपीज नहीं बेटा अपीज नहीं अपीज यानी काम करना और अगर कोई व्यक्ति काम है तो उसकी क्वालिटी है ठीक है अपीज वहां है और काम, यहाँ पे का काम करेगा ओके फोर का भी अब्रिज करना क्या होता है लेसन करना छोटा करना शॉर्टन करना है ना अब्रिज किससे बना है अब्रिज बना है ब्रीफ से एविवियेशन ब्रीफ शॉर्ट करना तो शॉर्टन ये इसका सुनाने में एक्सटेंड यानी बढ़ाना एन लार्ज करना ओके okay? तो एक्सटेंड है एनलार्ज है ये इसका क्या हो जाता है सुनाने में हो जाता है या एक्सपैंड करना या एक वर्ड अभी आया था पीछे आया था ना ऑगमेंट ऑगमेंट आया था इनक्रीज करना तो वही इसका ऑपोजिट भी बन जाएगा ऑगमेंट है इनक्रीज है एनलार्ज है एक्सटेंड है एक्सटेंड यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज यहां पे हम लिख देते हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके हो जाएंगे, या नहीं होता है ये जरूर बताइएगा जब एक्सटेंड बोल रहे हो तो एक्सपैंड भी लिख सकते हैं एक्सपेंशन बढ़ोतरी है ना तो स्ट्रेस स्ट्रेस यानी क्या होता है स्ट्रेस यानी समस्या एंजाइटी परेशानी ट्रबल ठीक है प्रॉब्लम्स ओके चलिए आज भी एक सही हुआ वेरी गुड रोज रिविजन करोगे होता जाएगा आराम से अब देखो आंसर शॉर्टन तो सनने में है, है ना तो अब्रिज का अपोजिट क्या होगा एक्सटेंड होगा ये सारे इसके सनने में ये सारे इसके सनाने में बहुत सारे और भी हो सकते हैं अपना ऐड भी कर सकते हैं आप आइए नेक्स्ट पे चलते हैं किंडल हो गया फाइव होने वाले हैं फाइव होते ही अपने मार्क्स देना पांच में से कितने आएंगे हाँ स्मोदर है सबसे पहले अगर हम किसी को स्मोदर करते तो उसका गला दबाते हैं है, है ना स्मर करना है किसी को सफोकेट करना ठीक है फील कराना किसी को सफोकेट करना स्मोदर करना चोक करना चोक गला चोक हो जाता है बंद कर देना सांस लेने में सफोकेशन का फील करना डिटेस्ट का सनानेम कौन बताएगा तबस्म आई थिंक आपको ही बताना चाहिए डिटेस्ट का सनानेम अर्पिता अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है डिटेस्ट का सिनोनिम कौन बताएगा आप में से ही कोई बताएं डिटेस्ट का सिनोनिम मुझे तो अच्छा होगा एनिमी है तो मेरा कैसा है हॉस्टाइल है दुश्मन है मेरा है ना डिस्करेज करना डिस्करेज करना यानी किसी को क्या करना डिमोटिवेट करना डिमोटिवेट करना डिमोटिवेट कर दूंगी मैं किसी को तो मैं क्या कर दूंगी कर दूंगी जाने से रोक दूंगी यानी मैं उसको क्या कर दूंगी आगे बढ़ने से रोक दूंगी स्टॉप कर दूंगी प्रिवेंट कर दूंगी उसको है ना रोक दूंगी तो ये सारे हो जाएंगे स्टॉप कर देना कर देना प्रिवेंट कर देना सीज कर देना सी वाला एस सी सी एस वाला नहीं सी वाला सीज यानी स्टॉप होता है ठीक है उसको मैंने बचा दिया जाने से कहीं जाने से उसको मैंने क्या कर दिया रोक दिया ठीक है अब घृणा होगा बिल्कुल सही है घृणा होगा डिस्पाइस होगा और बताओ मैं ये पूछ रही थी जनरली देखो डिटेस्ट यानी क्या होता है हेट होता है हेट का क्या होता है हेट करते हैं हम किसी से डिस्पाइस करते हैं हम उससे डिटेस्ट करते हैं हम उसको अभोर करते हैं ये जनरल सुनने में जो बार 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 रोज आते हैं इसलिए मैंने पूछा था कि ये याद हो जाने चाहिए अभी है ना घृणा करना होता है हाँ लोथ होता है बिल्कुल सही एल ओ ए टी एच ई लोथ राइट right. अब देखो यहाँ पे हमारा किंडल है किंडल यानी क्या होता है किसी को एक्साइट कर दिया आपने है ना उकसा दिया एक्साइट कर दिया और क्या कर दिया एक्साइट कर दिया यानी उसमें एक्साइटमेंट डाल दी एनर्जी डाल दी उसको इनसाइट कर दिया एक्साइट कर दिया उसको अराउस कर दिया मतलब एकदम प्रवोक कर दिया अराउस कर दिया प्रवोक कर दिया तो क्या हो गया इवोक कर दिया तो वो क्या हो गया एकदम एक्साइट करना है एक्साइट करना है इंसाइट करना है किसी को क्या करना होता है किसी को हमें एकदम उत्साहित कर दिया अगर आपने उसको तो एक्साइट कर दिया अराउज कर दिया एकदम एनर्जी उसमें डाल दी एकदम उसको एकदम तैयार कर दिया किसी काम के लिए तो ये तो हो गया किंडल आपको किंडल का एंटोनिम बताना जल्दी से बताएंगे कितने लोग बताते हैं इसका एंटोनिम प्रवोक बिल्कुल सही है प्रवोक हो जाएगा क्योंकि प्रवोक तो क्या है इसका नहीं मैं यहाँ पे प्रवोक नहीं है प्रवोक है इवोक है इंड्यूस कर देना किसी को इंड्यूस कर देना सड्यूस कर देना एक्साइट कर देना ये सारे वर्ड्स किसी में एनर्जी को फिल कर देना है ना अपना एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देना दिस इज किंडल एक्साइट अराउज इनसाइट इंड्यूस Seduce, provoke, है ना? और मोटिवेटिव मोटिवेट एनकरेज ये सारे words के। तो डिस्करेज मिल रहा है तो डिस्करेज क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। इसका, इसका स्ट्रेंदन कर देना किसी को है ना तो सुनानिम हो गया एंटानिम हमारा क्या होगा डिस्करेज होगा बिल्कुल सही है आ गए ये सारे वर्ड्स आने चाहिए सारे के सारे स्क्रीन पे जितने वर्ड्स है वो आपको आने चाहिए ठीक है आइए इसी के साथ अब चलेंगे फाइव हमारे हो गए हैं अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना इन ओनली केस अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आती है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ेंगे अब हम लोग फाइव के बाद सिक्स नंबर पे सिक्स हमारे सामने है टू टेक पीपल बाय स्टॉम टेक पीपल बाय स्टॉम का मतलब क्या होता है अचानक से खूब ज्यादा आपको सफलता मिल गई या पॉपुलरिटी मिल गई तो आपको ऐसा अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आप वीडियोस देख लीजिए क्लोज टेस्ट पैरा जमल के ऑलरेडी मैंने करवाए हुए हैं वहां से एक बार प्रैक्टिस ले लीजिए ठीक है चलिए टू टू पुट पीपल इन सरप्राइज कैप्टिवेट देम नहीं कैप्टिवेट करना क्या होता है किसी को एकदम अपने उसमें कर लेना आ, वश में कर लिया एक्सप्लाइट यानी शोषण करना टू बी सडनली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल तो ये हो जाएगा एकदम अचानक से सक्सेसफुल बन जाना टू थ्रो थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज स्पॉन्ज को फेंक देना इसका मतलब क्या होगा सरेंडर कर देना गिवअप कर देना हार मान लेना डिफीट को स्वीकार कर लेना ये होता है तो सरेंडर इसका राइट right आंसर हो जाएगा बहुत ज्यादा इसमें हाफ ऑन हाफ़ ऑन हमने पहले भी किया हुआ है मैंने आपको बताया था कई बार क्या होता है मैरिज जब होती है अब तो खैर पचास लोगों की लिमिट आ गई तो पता नहीं फूफा जी आपके पचास में शामिल होते होंगे या नहीं होते होंगे एक पर्टिकुलर बंदा होता है शादी में जिसका काम ही यही होता है कमियां ढूंढना और कंप्लेन करना तो ही कीप्स ऑन कंप्लेनिंग 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 एंड 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 सो इट इज कॉल्ड हाप ऑन ही कीप्स ऑन या ही इज ही इज हापिंग ऑन द थिंग्स यानी ही इज कंप्लेनिंग तो राइट आंसर क्या होगा कंप्लेन करना इसमें कॉमेंट्री है कॉमेंट्री करना नहीं होगा इसका आंसर कॉमेंट्री करना क्या होता है कॉमेंट्री करना यानी डिस्क्राइब द सिचुएशन और इसका आंसर होगा टू कीप ऑन कंप्लेनिंग कंप्लेन करते रहना सी इज द राइट आंसर अगले वाले में चलते हैं टू कैच समबडी ऑन द हॉप आप गए अपने डेट पे जब आप डेट पे गए तो दैट इज प्लान फ्रॉम योर साइड लेकिन आपकी फैमिली को तो यही पता आप एग्जाम देने गए हो या आप किसी पर्टिकुलर काम से गए हो लेकिन अचानक यानी कोई फैमिली मेंबर ने आपको कैच कर लिया ऑन द हॉप आपको कैच कर लिया यानी कि सडनली आप पकड़े जाते हो पापा वहीं दिख जाते हैं जहां पे आप गए हो जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई दिख भी सकता है यहाँ पे वहीं पे वो आपको पकड़ लेते हैं तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा सडनली आपको किसी कोई आपको पकड़ ले टू कैच समबडी सडनली तो वही हो जाएगा आपके साथ आप अपने डेट पे गए प्लान करके योजना बना के ऐसी जगह पर जहां कोई दूर दूर तक नहीं आता सडनली किसी ने आपको वहीं पे पकड़ लिया तो दिस इज कॉल्ड टू कैच समबडी सडनली चलिए टू स्पिल बीन्स ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं राइट right आंसर इसका क्या होगा spill the beans ही बहुत बार आता है spill the beans यानी बैग में बीन्स पड़े हैं स्पिल कर दिए यानी बिखेर दिए यानी कि बैग के अंदर क्या है टू पुट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी अंदर कैट थी किसी को नहीं पता था आपने बाहर निकाला सबको पता चल गया अंदर क्या था किसी को नहीं पता है. आपके अंदर क्या है किसी को नहीं पता आपने स्पिल द बीन कर दिया या आपने सीक्रेट को बाहर निकाल दिया उजागर कर दिया तो राइट आंसर ए होगा 10 क्वेश्चंस डन नेक्स्ट पे चलते हैं अगर जेनरिक हमारे सामने है और हमें बताना है जेनरिक का में अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और अगर आपने लाइक नहीं करा तो क्विकली लाइक कर दीजिएगा इस बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं करा है जेनरिक व्हाट इज जेनरिक जेनेरिक दवाइयाँ आती हैं तो जिसमें जेनेरिक दवाइयाँ कौन सी होती हैं जिसमें बिल्कुल कॉमन सॉल्ट डला हुआ होता वो तो general, general यानि usual, usual यानि तो है वो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं तो जेनेरिक यानी कि जनरल जनरल यानी यूजुअल यूजुअल यानी कॉमन तो जेनेरिक है जनरल है कॉमन है ये इसका राइट right आंसर होगा तो सिनोनिम बताना है जेनेरिक जनरल यूजुअल कॉमन ये इसका सिनोनिम होगा यूजुअल कॉमन के और सिनोनिम आप लोगों को आते होंगे जल्दी से लिख दीजिए ताकि कि आपका ही रिवीजन हो सके चीप है तो सस्ता है ये होता है चीप नहीं होगा इसका आंसर इसका आंसर जनरल होगा यूजुअल कॉमन क्वाल आपके पास नया वर्ड है क्वाल्म जो है इसका मतलब क्या होता है क्वाल में होना मतलब कि आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप इजी फील नहीं कर करें अनइजी सा फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके स्ट्रेस में हैं परेशानी में हैं और थोड़ा सा डाउटफुल है आपको सिचुएशन को लेके तो दैट इज़ द स्टेशन सॉरी सिचुएशन ऑफ क्वाल सिचुएशन ऑफ कैल का मतलब क्या है डाउटफुलनेस या फिर डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी हम इंगशस होते हैं ना कि पता नहीं कैसा होगा सही होगा या नहीं होगा ये सब चीज़ें तो एंग्जाइटी है स्ट्रेस है ट्रबल है परेशानी है और आ, समस्या है और ड्यूबियस भी सिचुएशन होती है डाउटफुल भी सिचुएशन होती है जब आप परेशानी में होते हैं आपको नहीं पता रिजल्ट आने वाला आप परेशानी में ठीक है थीके? तो ये इसका एक हो सकता है परजेवर होता है लगातार होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग छोटा सा पार्ट नेक्स्ट आ गया है वैरी वैरी के सारे सारेम आते हैं बहुत सारे बार हम लोग वैरी को कर चुके हैं तो जल्दी से आप बताएंगे वेरी को क्विकली बताइए वेरी क्या होता है वेरी यानी काम या वेरी यानी कर्व या वेरी यानी कंफ्यूज या वेरी यानी कॉशियस अगर आप काम है तो आप पीसफुल हैं आप ट्रेंकुलाइज्ड हैं आप शराइन हैं या शरीन हैं या आप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं या बहुत ही ज्यादा जेंटल हैं सिंपल हैं है ना कर्वड है अगर कोई चीज कर्व्ड है तो वो ट्विस्टेड है दैट इज नॉट स्ट्रेट दैट इज राउंड इस तरीके से कर्व को बोल सकते हैं कंफ्यूज हैं, यानी परप्लेक्सड हैं, यानी सिचुएशन को लेकर डालमा है, में है यानी आपको आप अनडिसाइडेड हैं, अन हैं आपको समझ नहीं आ रहा है और कॉशियस हैं अगर आप कॉशियस हैं तो आप कैसे हैं आप अवेयर हैं आप अलर्ट हैं आप केयरफुल हैं और, और बताइए अवेयर बताया अलर्ट बताया केयरफुल बताया और बताइए हाँ, serpentine हो सकता है बिल्कुल सही सपन हो सकता है राइट right. तो राइट right आंसर क्या होगा टायर्ड एग्जॉस्ट नहीं वेरी है ये वेरी वेरी क्या है वेरी यानी अवेयर से रिलेटेड है ये ठीक है वो वियरी होता है वियरी वियरी या फिर वियरी सम होता है टायर्ड ठीक है कंफ्यूज मत हो ये अलग है ये अलग है ये वेरी है और वो वियरी होता है टायर्ड ठीक है ध्यान रखें तो यहाँ पे वेरी है टायर्ड नहीं टायर्ड वाला नहीं है वेरी है यहाँ पर ठीक है तो राइट आंसर हमारा कॉशियस होगा अवेयर है अलर्ट है केयरफुल है आगे चलते हैं नेक्स्ट पे डिस्टॉक्ट रॉन्ग ईविल डीफॉर्म हार्म अगर आपने किसी का कोई फाइल डिस्टॉक्ट कर दिया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई क्योंकि आपने क्या कर दिया उसके काम को स्पॉइल कर दिया ठीक है स्पॉइल कर दिया खराब कर दिया ठीक है डिस्क्रीट कॉसिस बिल्कुल सही है वे एडल मडल पर हाँ कन्फ्यूजन का ये सदा लिखा है अब आया है मेरे पास जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना गाइज़ ये व्हाट्सएप नंबर है इट इज़ अ व्हाट्सएप नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो जनरल कॉल के लिए नंबर नहीं है और वीडियो कॉल के लिए बिल्कुल नहीं है बहुत सारे लोग वीडियो कॉल करते हैं एंड वी डू नॉट अटेंड देम ठीक है और अगर हमारी टीम अटेंड करती है आ, तो वो लोग काट भी देते हैं फिर आप वीडियो कॉल क्यों करते हो इस पर इट इज़ नॉट फॉर अ वीडियो कॉल आपको कॉल करना है आप मैसेज करिए आप कॉल करिए लेकिन वीडियो कॉल नहीं करेंगे राइट चलो डिस्ट्रॉट करना क्या होता है डिस्ट्रॉट करना स्पॉइल कर देना होता है खराब कर देना होता है चीजों को तो स्पॉइल करना खराब करना होता है या अपने उसको डिफेम कर दिया किसी तरीके से डिफेम कर दिया या डिवैल्यू कर दिया कुछ ऐसा कर दिया रॉन्ग यानी गलत होता है इविल यानी विकेड होता है अगर पर्सन कैसा है क्रूअल है ब्रूटल है सेवेज है बारबेरियस है तो उसको हम लोग इविल बोल सकते हैं डेविल है राइट और डिफॉर्म करना फॉर्म को खराब कर दिया रूप को बिगाड़ दिया ओके तो डेट इज डिफॉर्म हार्म करना यानी नुकसान पहुंचाना होता है तो वैसे तो ये भी हो सकता था लेकिन स्पॉइल करना और डिफॉर्म करना एग्जैक्टली exactly सेम है डिस्टॉर्ट करना यानी क्या होता है कागज को फाइलों को डिस्टॉर्ट कर दिया यानी उससे आपने छेड़छाड़ कर लिया और खराब कर दिया तो राइट right आंसर हमारा हार्म से ज्यादा डिफॉर्म होगा डिफॉर्म कर दिया तो आपने क्या कर दिया डी शेप कर दिया डी शेप कर दिया यानी नक्शा बिगाड़ दिया तो बिगाड़ना इज ज्यादा हाँ यानी नुकसान पहुंचाना और और स्पॉइल करना यानी ख़त्म कर देना ख़राब कर देना समझ रहे हैं काफ़ी क्लोज है लेकिन जब क्लोज़ होते हैं तो हमें जब क्लोज होते हैं तो हमें क्या करना होता है हमें चीजों को और ज्यादा देखना पड़ता है डिफॉर्म है और हार्म है तो ये दोनों में से कौन सा चीज सही होगा डिफॉर्म करना यानी इमेज को खराब कर देना डिस्फिगर कर देना राइट तो डिस्फिगर डिफॉर्म डिस्टॉर्ट यहाँ पे होगा हार्मी नुकसान पहुंचाना हार्म करना हर्ट करना फिर वो वही वही हो जाएगा आ, कि अगर हमने किसी को नुकसान पहुंचा दिया ठीक है चलो इसी के साथ एम बी पब्लिकेशन की वो कैबलरी एम बी में कुछ नया नहीं होता है एम बी प्रीवियस ईयर होता है और प्रीवियस ईयर हम बहुत बहुत बार कर चुके हैं तो जो प्रीवियस ईयर होता है वो कर लोगे तो आपका वैसे ही हो जाएगा कुछ नया नहीं होता जैसे हम पुराना प्री पेपर करते हैं ना वही होता है प्रीवियस ईयर एम बी में देखो क्या है एम बी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर चाहे, हो, चाहे, हो, चाहे, हो, चाहे year, पेपर हो चाहे क्वेश्चन हो चाहे कॉमन आरर हो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर्स हो चाहे वो स्टैनो हो चाहे वो सीपीओ हो सी जी एल हो सी एच एस एल हो मेन्स हो सब कुछ वहाँ पे मिलता है राइट तो दैट इज एम बी एंड एम बी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर तो जब हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो हम उसको डेफिनेटली कर रहे हैं तो अलग से उसको करने का कोई यहाँ पे नहीं है तुक नहीं है राइट इसी के साथ अब हमारा सेशन जो है वो ओवर होता है नहीं नहीं 15 नहीं हुआ है अभी 14 ही हुआ है फिफ्टीन रहा चलिए बेनफुल है कोई क्लियर बताइए आंसर बेनफुल क्या होता है सबको आता है सब एक एक सिनानिम देंगे यहाँ पे बेनफुल का

है ना अब यहाँ पे गॉजियस है गौजियस है तो ब्यूटीफुल है चार्मिंग है अट्रैक्टिव है स्टनिंग है वो सारे सुनानी हो जाएंगे पेरेलस है तो डेंजरस है पेरेलेस है डेंजरस है इंजूरियस है हार्मफुल है टेनेशियस है जल्दी जल्दी से इसके सुनानी में एक एक मैंने बोला था लिखने के लिए जल्दी से लिखो Injurious है हार्मफुल है ये सारे हो जाएंगे क्या हो गया डेट्रीमेंटल होता है एक सेना में इसका ठीक है पग्नेशियस होता है इसी का होता तो सेनानेलियस हो गया वेनफुल हो गया बेरेलीस इसका राइट होगा राइट चलो लग्जूरियस स्लैश होता है अफ्लुएंट होता है ऑपुलेंट होता है वेल्दी होता है कल करा था काफी हो जाएगा ब्लैक बुक इज आल्सो प्रीवियस ईयर ब्लैक बुक बोग बहुत सारे लोग बना देते हैं अपना नाम लिख के बट दैट इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर आप उठा के देखो वही रहेगा तो बेटर आप किसी पर्टिकुलर बुक की बजाय अपना प्रीवियस ईयर नोट्स तैयार करो ना तो ज्यादा बेहतर होगा जैसे बेनफुल है बेनफुल के कितने सिनोनिम्स होते हैं एक साथ कर लो एग्जाम में क्या आता है कभी बेनफुल आ जाता है कभी पेरिलस आ जाता है कभी इंजूरियस आ जाता है कभी टेनाशस आ जाता है डट्रीमेंटल आता है तो आपको पता होना चाहिए सारे इसके सेनानी में इससे हमारे माइंड में ज्यादा रहेंगे इंस्टेंट क्योंकि रीडिंग ऑफ द बुक इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प क्योंकि हम लर्न तो कर ही नहीं सकते रट तो सकते ही नहीं वो कैबलरी को क्या कर सकते हैं अपने मतलब जितना आप इतना यूज करोगे रिवाइज करोगे बोलोगे अपने इसमें लाओगे लिखोगे सबसे ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पे आज एक पेज बना लो बेनफुल का डेंजरस का जितने याद आते हैं डेंजरस के पेज पे डेम श्योर sure है कि वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ रॉटिंग डाउन बहुत ज्यादा मगिंग अप करोगे कुछ नहीं होगा सो आई डोंट बुक्स ओके चलिए इसी के साथ हमारा सेशन आज खत्म होता है पंद्रह हमारे जो क्वेश्चन थे अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा फर्नीशियस बिल्कुल सही बेलफुल हमने लिख दिया हजार्डस यस एग्जाम सही ठीक है चलिए क्या बोल रहे हैं यूपी मुजफ्फरनगर से हम लोग करते हैं रिप्लाई इसी के साथ अब खत्म करते हैं चलो अब मिलेंगे रात वाले सेशन में नौ बजे आज कॉमन एरर का सेशन होगा बहुत जरूरी क्वेश्चंस बहुत जरूरी देखना और उससे पहले होगा सर का सेशन बहुत ज्यादा अच्छे वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे वो तो सर का सेशन पहले देखिएगा उसके बाद मेरे सेशन पे आइएगा प्लीज, प्लीज 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 सेशन जरूर देखें आप अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें है ना चलो इसी के साथ खत्म करते हैं हमारे सेशन को मिलेंगे एक और सेशन में तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सबसे ज्यादा जरूरी है वो ओके थैंक यू वेरी मच